बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. मौज़म मन्जूर. Medicine is my profession and teaching is my passion. आज का जो हमारा वेबिनार है ये एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में है. Like this is first time I'm going to deliver such a webinar. तो इससे पहले कि हम conventionally अपने discussion को start करें, I would like to officially welcome all of you to this webinar. We are going to talk about the tips for making an educated guess. लेकिन अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपका plan A fail हो गया, plan B भी fail हो गया, plan C भी fail हो गया. Now you are moving on to the plan D, and plan D is making an educated guess. There is a difference between random guess and an educated guess. Random guess क्या है कि आप कोई poem पढ़ते हो और end वाला word जिसके ऊपर आ गया वो pick कर देते हो, right? तो twinkle twinkle little star how I wonder what you are, चलो यार यहाँ पे आ गया, चलो ये choose कर देते हैं, right? लेकिन educated guess क्या है कि आप अपने logic को use करते हो, आप question writing techniques को use करते हो, आप अपनी English grammar को use करते हो, आप अपनी probabilities को use करते हो, आप choices elimination को use करते हो और आप अपने question के सही करने के जो odds हैं उनको बढ़ाते हो इन सारी चीजों को use करके उस वक्त जब आपको सवाल का जवाब नहीं आता, ठीक है? तो इसमें जो पहली बड़ी टिप मैं आपको दे रहा हूँ guessing के हवाले से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सारे सवालों को guessing के जरिए आंसर तक पहुँचना है. There is no alternative of knowing the right answer. ठीक है, अगर आपको सही जवाब पता है जिस भी तरीके से पता है बस आपने वो पिक करना है, ठीक है? There is no alternative of knowing the right answer. ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आपको सही जवाब नहीं पता, आप टोटली ब्लॉक हो गए हो और बजाय कि आप सवालों को अनअटेम्प्टेड छोड़ो, आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करके जवाब तक पहुंचो. तो इफ टू रिस्पॉन्सेज अपीयर टू बी इक्वली करेक्ट, ठीक है, two responses appear to be equally correct, eliminate the response which appears to be least related to the question being asked. कई दफा दो ऑप्शन जो ना दोनों ऑप्शन सही लग रहे होते हैं लेकिन उनमें से एक ऑप्शन की जो रेलेवेंस है ये स्टेटमेंट के साथ ज्यादा होती है, तो आप जो मोर रेलेवेंट वन है उसको पिक कर दो. ये पहली टिप है, ठीक है? दूसरी टिप क्या है? चूज द मोस्ट जनरल आंसर व्हेन अदर चॉइसेस आर स्पेसिफिक एंड वाइस वर्सा. देखो अगर स्टेटमेंट अगर जो है ना तीन ऑप्शंस यहाँ बिल्कुल जनरल है, तीन ऑप्शन जनरल है, एक बड़ा स्पेसिफिक नैरो ऑप्शन है, या तीन ऑप्शंस बड़े स्पेसिफिक या एक थोड़ा जनरलाइज करके दिया हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, जो ऑड वन है आपने उसको पिक करना है इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है? जैसे ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखो जैसे ऑलवेज, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर ऑलवेज है, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर नेवर है, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर यूजुअली है. अब इसमें देखो जो एब्सोल्यूट वाले हैं उनको आप छोड़ दोगे और दूसरा वाला आप जो ना रिलेटिवली जो जनरल जो डिफरेंट ऑप्शन है ऑड वन है अब उसको चूज करोगे. अच्छा, उसके बाद फिर अगर तीन ऑप्शन शॉर्ट है और एक लॉन्ग है आपने लॉन्ग वन को चूज करना है. क्यों? क्योंकि एग्जामिनर्स का एक बहुत बड़ा मसला होता है. मसला ये होता है कि दे हैव टू गिव यू समथिंग इन द क्वेश्चन सो एज टू एनेबल यू टू आंसर द क्वेश्चन. और कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि मुझे कल को ये सुनने को मिले कि जी ये सवाल इनकम्प्लीट था तो इस वजह से जो है वो लाइक हमें स्कोर दिए जाएं, सारे बच्चों को मार्क्स दिए जाएं, ये सवाल ही गलत था. तो एग्जामिनर क्या करता है, वो अपने आंसर को एलेबरेट करने की कोशिश करता है क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे पहेली नहीं बुझवानी, एग्जामिनर ने आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है जिसकी बेस पे अपने आंसर तक पहुंचना है. तो ऐसा करने में कई दफा एग्जामिनर्स क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट एग्जामिनर्स नहीं होते वो जो सही जवाब है उसको थोड़ा सा ज्यादा एलेबोरेट कर देते. अगर बाकी ऑप्शंस के दो दो वर्ड्स हैं उसके वो तीन वर्ड्स बना देते. तो जो रिलेटिवली लॉन्गर आंसर्स होते हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि यही वाले क्वालिफाइंग आंसर्स हों, राइट? इसके साथ आप देखें कि चूज आंसर विद द मिड वैल्यू या मिडिल वैल्यू व्हेन अदर्स आर हायर और लोअर. अब देखें ना, फर्स्ट करें कि एक सवाल है जिसका जवाब है लाइक जिसका जवाब है 50, मुझे पता है क्वेश्चन है जिसका आंसर है 50. अब मैं ऑप्शंस क्या डालूंगा, मैं ऑप्शंस डालूंगा 25, 50, 75 एंड 100, ठीक है? अब देखिए कि एग्जामिनर्स की हैबिट होती है ना, अगर 50 जवाब है कोई एक आध इससे नीचे डाल दो, एक आध इसके ऊपर डाल दो, राइट? तो इस तरीके से जो है एग्जामिनर्स क्वेश्चन राइट करते हैं. यहाँ पे भी सेम आइडिया है कि आप लोगों को अगर गैसिंग करनी है, नंबर्स में से गैस करना है, आप मिडिल वैल्यू में से गैस करो. उसके बाद फिर अगर दो जवाब है बिल्कुल एक जैसे, दोनों का मतलब बिल्कुल हूबहू एक है, राइट? इसका मतलब यह है कि दोनों जवाब नहीं है, दोनों अगर सिमिलर हैं, क्योंकि अगर एक ही समझ लेंगे एक ही जो सिमिलर आंसर्स हैं इसका मतलब ये हो दोनों ने एक दूसरे को रूल आउट कर दिया, दोनों ही नहीं हो सकते. उन दोनों को एलिमिनेट करके बाकी में से गैस मार दो। अगर फर्ज करो कि दो ऑपोजिट जवाब हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर और डिक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जवाब है, तो ऑफ कोर्स अब आप इसके लिए इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में से ही कोई जवाब है, ठीक है। तो जब सिमिलर होंगे दोनों एक दूसरे को रूल आउट कर देंगे, जब ऑपोजिट होंगे तो दोनों एक दूसरे की तसल्ली दे देंगे यार इन दोनों में से ही कोई जवाब है, ठीक है। फिर आप उन दोनों में से सोच के आप सही आंसर तक पहुंचो। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्या है, टिप नंबर 6 क्या है हमारे पास यहाँ पे है जी, टिप नंबर 6, चूज द आंसर दैट एग्रीज ग्रामेटिकली। जैसे आप देखा ना कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट के एंड पे अगर ए या एन आ रहा है, राइट, या सिंगुलर प्लूरल आ रहा है, उसके मुताबिक स्टेटमेंट और ऑप्शन जो है ना आपस में अगर ग्रामेटिकल कंसिस्टेंट होंगे ना तो उनके सही होने के चांसेस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देखा ना कि अगर स्टेटमेंट के एंड पे ए आ रहा है, राइट, और ऑप्शन जो है इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन वावल से स्टार्ट होना, उससे स्टार्ट होना चाहिए, नॉन वावल से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ठीक ए या एन अगर आ रहा है, ठीक है, या इस तरह से अगर स्टेटमेंट के एंड स्टेटमेंट सिंगुलर आंसर की तरफ लेके जा रही है, ऑप्शंस के अंदर आपने सिंगुलर ऑप्शन को ढूंढ एंड सो ऑन। तो ग्रामेटिकल कंसिस्टेंसी जो है ये भी कई दफा हेल्प कर देती है फॉर चूजिंग द राइट आंसर। टिप नंबर 7 क्या है, चूज द आंसर मोस्ट सिनोनिमस विद द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। जब आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हो ना उसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ एक दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेन वर्ड्स होते हैं, तो उनके साथ जो बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस हैं आप कोशिश करो आप उनको चूज करो। टिप नंबर 8 क्या है, अगर फर्ज करो 4 ऑप्शन है, उन चारों में से आपको 3 ऑप्शन का पता है यार ये मैंने सुने हुए हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चे कहते हैं यार मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि जो मुझे नहीं आता वही वाला जवाब है, वो जो अननोन ऑप्शन है उसको चूज कर देते हैं। याद रखना एग्जाम में जो जवाब होगा सही जवाब वो कभी ना कभी आपके दिमाग से गुजरा होगा, ठीक है, आपके लिए नया वर्ड नहीं होगा। सो अगर फेमिलियर और अननोन ऑप्शन में से आपने चूज करना है, आप फेमिलियर 1 को चूज करोगे। टिप नंबर 9 क्या है, चूज द ऑप्शन विच साउंड्स मोस्ट लॉजिकल टू यू। अब मंतक लगा लो अपना, मंतक के लिहाज से आपको लगता है यार ये वाला बेहतर लग रहा है, ये वाला इस तरह से रूल आउट हो रहा है, तो लॉजिकली जो आपको बेहतर लगता है उसको चूज कर दो। और उसके बाद फिर अवॉइड आंसर्स विद एब्सोल्यूट्स इन देम। अब जैसे मैं आपको देखिए आपको एक क्वेश्चन में पूछता हूं, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेक्टर्स, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, वेक्टर्स कैन नेवर बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। बी ऑप्शन इज Vectors can always be added and subtracted by simple arithmetic means. C option is vectors can usually be added and subtracted by simple arithmetic means. D option is vectors can sometimes be added and subtracted by simple arithmetic means. देखिए, always, never, usually, sometimes. अब देखो 4 वर्ड्स यूज हुए हैं। इसमें देखो कि जो एब्सोल्यूट वर्ड्स हैं always और never। मैं एज क्वेश्चन राइटर ये जानता हूँ कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स लिखना बड़ा हार्ड होता है। हम कहते हैं ना there is always an exception. हमेशा कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसके अंदर भी जब भी कभी एब्सोल्यूट ऑप्शंस आए जिनके अंदर ऑलवेज, नेवर, नन वगैरह के वर्ड यूज हों, अगर आपने गेसिंग करनी है आप उनको छोड़ दो, और जैसे यूजुअली और समटाइम्स इसमें से वैसे आंसर जो है वो समटाइम्स है, तो यूजुअली और समटाइम्स इसमें से आपको आंसर चूज करो, राइट। सो ये है एजुकेटेड गेसिंग की टेक्निक्स मैंने आपको बता दी। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हैव फेथ इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। अल्लाह की जात पे भरोसा रखें और अपनी सलाहियतों के ऊपर आपको एतमाद होना चाहिए कि आप कर सकते हो। यहाँ पे एक ये नोशन भी आपके सामने है, फेथ इज नॉट बिलीविंग दैट गॉड कैन, अल्लाह कर सकता है ये फेथ नहीं है, ठीक है। इट इज नोइंग दैट गॉड विल, ये यकीन कि यार अल्लाह कर देगा, कर सकता है बिलीव, ये फेथ नहीं है, कर देगा ये जना कह लें कि ये फेथ है। सो अल्लाह आपका दाखिला कर सकता है यूईटी में, ये फेथ नहीं है, अल्लाह ताला आपको दाखिल कर देगा ये फेथ है, ठीक है। सो हैव फेथ इन गॉड, अपनी तरफ से अगर आपने बेहतरीन मेहनत की है अब आप बिल्कुल भरोसा रखें कि आपको आपकी मेहनत का जो फ्रूट है वो मिलना ही मिलना, राइट। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पैशन, इसमें किसी भी किस्म का हमारा कोई इंटरेस्ट इस सेशन के साथ जैसे नहीं जुड़ा हुआ था, राइट। स्टिल आई न्यू दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई हैव डिलीवर्ड दिस सेशन, right? So anyways, that's all for today. Thank you very much. May Allah bless you all. Allah Hafiz.